करते हैं सागर की, जहां जैन मंदिर परिसर में बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी ने पहले तो उसे पीटा और फिर परिसर में खंभे से बांध दिया। इस दौरान बच्चा अंकल जी बचा लो चिल्लाता रहा। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुजारी रस्सी से बच्चे को बांधते हुए नजर आ रहा है। वीडियो मोदी नगर थाना क्षेत्र के छोटा करीला स्थित जैन मंदिर का है। वीडियो सामने आने के बाद बच्चे के परिवार वालों ने मोती नगर थाने पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार रात आरोपी पुजारी राकेश जैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुजारी का कहना है कि बच्चा बादाम चुरा रहा था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटा करीला निवासी 11 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ जैन मंदिर के पास गया था। वह गेट पर खड़ा था, इसी दौरान मंदिर के पुजारी राकेश जैन आए और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने मारपीट की, इसके बाद परिसर में खंभे से बांध दिया। पुलिस ने राकेश के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वीडियो में बच्चे को पुजारी और एक अन्य युवक पकड़े नजर आ रहे हैं। वो रोते हुए अंकल जी बचा लो की गुहार लगा रहा है। राकेश जबरन उसे रस्सी से खंभे में बांध देता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग उसे बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन राकेश ने उन्हें भगा दिया। मामले में राकेश जैन का कहना है कि दो बच्चे चोरी की नीयत से मंदिर परिसर में आए थे, जिनमें से एक भाग गया, दूसरे को पकड़ लिया गया। वो भी ना भाग जाए इसलिए उसे बांधा था। उसने मंदिर की पूजा की थाली में से बादाम भी उठाकर जेब में रखे थे। जी, वहाँ पे एक नाबालिग बच्चा जो था वो गेट के पास खड़ा था, तो वहाँ पे मौजूद एक राकेश जैन नामक व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसको विवेचना ले लिया गया है।